कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर आज की इस मजेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ढाबा स्टाइल बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट काले चने की सब्जी की रेसिपी। इस सब्जी को आप एक बार मेरे इस तरीके से जरूर से बनाइए, आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी, बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है ये सब्जी। घर पर आप इसे बिल्कुल आसान तरीके से इस तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं और यकीन मानिए आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और काला चना जो होता है वो प्रोटीन और आयरन से भरपूर होता है, तो इसे आपको अपनी डाइट में जरूर से शामिल करना चाहिए। तो चलिए इस सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये इस तरीके का जो काला चना होता है वो ले लिया है और इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और आयरन होता है, तो आप इसे जरूर से इस तरीके से अपनी डाइट में यूज करें। तो ये काले चने को मैंने यहाँ पे अच्छे से 2-3 बार पानी से वॉश करके पूरी रात के लिए अच्छे से सोक करके रखा है। आप इसे एटलीस्ट 6-7 घंटे के लिए इस तरीके से पानी में सोक करके रखें ताकि अच्छे से फूल जाए। तो इसे मैंने 2-3 बार पहले पानी से वॉश किया और फिर मैंने इसे पानी में सोक करके रखा है ओवरनाइट के लिए। और ये 1 कप मैंने यहाँ पे काला चना लिया है। अब इसे हम अच्छे से पानी जो इसका निकाल लेंगे और इसे पानी से 2-3 बार वापस से वॉश करेंगे और फिर हम इसे प्रेशर कुकर में डाल देंगे और इसी के साथ हम यहाँ पर नमक डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच के जितना। इसी के साथ हम इसमें पानी डालेंगे, हम इसे बॉईल करने वाले हैं, तो बस इसमें बहुत ज़्यादा पानी भी आप ना डालें, बस इतना पानी डालें कि चने हैं वो अच्छे से पानी में डूब जाएं और थोड़ा सा इसके ऊपर जैसे पानी आप देख सकते हैं बस इतना पानी हमें इसमें डालना है। अब यहाँ पर इसे हम हाई फ्लेम पर 1 विसल लगाएंगे, उसके बाद हम बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे लगभग 10-15 मिनट के लिए अच्छे से कुक होने देंगे। तो आप हाई फ्लेम पर पहले 1 विसल लगा लें और 10-15 मिनट के लिए इसे अच्छे से लो फ्लेम पर पका लें। तो यहाँ पर अब हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 बड़ा चम्मच हम ले लेंगे यहाँ पर धनिया पाउडर और इसी के साथ थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर लेंगे 1/4 चम्मच के जितना। इसी के साथ यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ले लेंगे 1 बड़ा चम्मच, इससे जो हमारी सब्जी है उसमें बहुत ही बढ़िया सा कलर आएगा। अगर कश्मीरी लाल मिर्च आपके पास नहीं है तो नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसी के साथ हम डालेंगे 1/2 चम्मच यहाँ पर ये जीरा पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर मैंने यहाँ पे लिया है और साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा आमचूर पाउडर, तो 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर लिया है। आमचूर पाउडर आप जरूर डालिए, काफी अच्छा सा टेस्ट ऐड करता है सब्जी में। इसी के साथ अब हम इसमें यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा पानी लगभग 3-4 टेबलस्पून के जितना। तो यहाँ पे ये नॉर्मल पानी मैंने इसमें डाल दिया है और अच्छे से हम यहाँ पर सारे मसालों को पानी में कुछ इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से जो हमारे मसाले हैं वो काफी अच्छे से पानी में फूल जाएंगे और बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट ऐड करते हैं सब्जी में। तो ये मसालों का जो पेस्ट है वो तैयार है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि मसाले अच्छे से फूल जाए। अब यहाँ पर गैस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में हम डालेंगे यहाँ पर 2-3 चम्मच ऑयल। आप चाहें तो यहाँ पर इस सब्जी को देसी घी में भी बना सकते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा और इसी के साथ कुछ खड़े मसाले भी हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर 1 टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है और साथ ही 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 3-4 लवंग और 5-6 मैंने यहाँ पे काली मिर्च ली है। तो यहाँ पर गैस को बिल्कुल हम लो रखेंगे और ये खड़े मसाले इसमें डाल देंगे, 1 तेजपत्ता भी डाल देंगे इसमें और साथ ही हम यहाँ पर 2 सूखी लाल वाली मिर्च डाल देंगे। सूखी लाल मिर्च अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। लो फ्लेम पे कुछ सेकंड्स के लिए मसालों को बिल्कुल अच्छे से हम यहाँ पर सॉटे कर लेंगे ताकि जो मसाले हमने खड़े डाले हैं उनका अच्छे से फ्लेवर ऑयल में आ जाए। आप चाहें तो खड़े मसालों को ऑयल में सॉटे करने के बाद आप इन्हें निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर मसाले अच्छे से हमारे सॉटे हो गए हैं। अब यहाँ पर हम डालेंगे इसमें प्याज। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज की प्याज ली थी जिसे बिल्कुल बारीक सा कट करके इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो प्याज को यहाँ पर कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। अगर आप कट करके डाल रहे हैं तो बिल्कुल फाइन सा इसे चॉप करके डालें। अच्छे से अब हम प्याज को यहाँ पर मिक्स कर लेंगे सारी चीजों के साथ और मीडियम फ्लेम पर हम इसे यहाँ पर 3-4 मिनट के लिए पका लेंगे। बीच बीच में आप इसे चलाते रहें और अच्छे से बिल्कुल पका लें। तो आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो गया है, प्याज यहाँ पर लाइट गोल्डन ब्राउन का कलर आ गया है इसमें। अच्छे से मैंने इसे 3-4 मिनट के लिए पकाया है। तो अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तो यहाँ पर मैंने 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर अदरक लहसुन के पेस्ट की जगह पर बारीक कटी हुई अदरक और लहसुन को भी डाल सकते हैं। अच्छे से सारी चीजों को हम मिक्स करेंगे और यहाँ पर इसे भी हम 1 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो चले जाए।
तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए अदरक लहसुन के पेस्ट और हरी मिर्च को भी मैंने एक मिनट के लिए पका लिया है। अब इसमें हम डालेंगे ये मसाले वाला जो पेस्ट था वो इसे हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से सारे मसाले हमारे फूल गए हैं, साथ ही हम थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे लगभग 1-2 चम्मच के जितना, ताकि जो मसाले हम इसे अभी पकाएंगे तो ये बिल्कुल भी जले ना। गैस को यहाँ पर लो मीडियम के बीच में रखेंगे और सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से मिक्स करते हुए हम 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो यहाँ पर मसालों को पकाना बहुत ज़रूरी है ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ सके सब्जी में, और इस मसाले को हम तब तक पकाएंगे जब तक इसमें से अच्छे से ऑयल ना रिलीज होने लगे। आप देख सकते हैं इसके सरफेस पे ऑयल आ गया है, मसाले काफ़ी अच्छे से पक गए हैं। तो अब यहाँ पर हम इसमें टोमेटो प्यूरी डाल देंगे। तो यहाँ पर ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिसका अच्छे से मिक्सी जार में डालकर इसका प्यूरी बनाकर इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो बारीक सा चॉप करके भी यहाँ पर टमाटर का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पर नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, तो मैंने 1 छोटी चम्मच नमक डाल दिया है। नमक आप थोड़ा सा ध्यान से डालें क्योंकि हमने चने को बॉयल करते टाइम भी नमक का इस्तेमाल किया है। अच्छे से अब हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे यहाँ पर, तो इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब हम इस मसाले को लगभग 6-7 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। तो इस तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसे ढक देंगे और लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे लगभग 6-7 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर ये चने जो हैं वो भी हमारे काफ़ी अच्छे से बॉईल हो गए हैं, तो इसे भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं चने, कुछ इस तरीके से, एकदम इस तरीके का सॉफ्ट होना चाहिए चना बॉयल होने के बाद। तो यहाँ पर एक विसल मैंने इसे हाई फ्लेम पे लगाई थी और 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से कुक किया है। चने बिल्कुल हमारे अच्छे से बॉयल हो गए, ये तैयार है, तो इसे साइड में रख देते हैं और मसाले को चेक कर लेते हैं। तो लगभग 7 मिनट के लिए मैंने मसाले को अच्छे से पका लिया है और बीच में 1-2 बार मैंने इसे चला लिया था ताकि मसाला जले ना। मसाले में अच्छे से ऑयल भी रिलीज हो गया है, तो इसे हम थोड़ा सा 1-2 बार इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और गैस को यहाँ पे लो मीडियम के बीच में ही रखेंगे। और यहाँ पर अब हम इसमें थोड़े से चने डाल देंगे और इसे मैश कर लेंगे। इस तरीके से थोड़े से हम चने डालकर इसे मैश करेंगे, तो इससे हमारी सब्जी को एक बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग मिल जाएगी और जो हमारी सब्जी बनेगी, जो उसकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक बनेगी, यानी कि ये ग्रेवी अलग और चने अलग बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे अगर आप इस तरीके से थोड़े से चने को मसाले के साथ मैश कर लेते हैं। तो ये बढ़िया से मैंने इसे मैश कर लिया है, तो बाकी के जो बचे हुए चने हैं उसे भी हम डाल देंगे। तो ये पानी के साथ ही मैंने जिस पानी में हमने उबाला था चनों को उसी के साथ मैंने इसमें डाल दिया है। इस पानी को बिल्कुल भी ना फेंकें, पानी के साथ ही आप चने डालें इसमें और अच्छे से सारी चीज़ों को हम यहाँ पर मिक्स करेंगे और गैस को यहाँ पर रखेंगे मीडियम फ्लेम पर और ढक कर हम इसे लगभग 6-7 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो भी मसालों का फ्लेवर है वो चने में बिल्कुल अच्छे से आ जाए। तो 5-6 मिनट के लिए आप इसे ढककर ज़रूर से अच्छे से पका लें। और यहाँ पर ऑलमोस्ट 6 मिनट के लिए मैंने इसे पकाया है और 1-2 बार बीच में चला लिया था। काफ़ी अच्छे से आप देख सकते हैं इसके सरफेस पे ऑयल आ गया है और बिल्कुल चने भी काफ़ी अच्छे से हमारे यहाँ पर मसालों के साथ मिक्स हो गए हैं और ग्रेवी भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सी थिक सी लग रही है। 1 बड़ा चम्मच हम यहाँ पर रोस्ट की हुई कसूरी मेथी डालेंगे इस तरीके से क्रश करके। तो कसूरी मेथी को हल्का सा मैंने तवे पे रोस्ट कर लिया था और इसी के साथ अब हम यहाँ पर इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच के जितना गरम मसाला। तो गरम मसाले की जगह पर आप चाहें तो यहाँ पर इसमें कोई भी छोले मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं या किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं। इसी के साथ 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे देसी घी। देसी घी भी आप ज़रूर से डालिए, लास्ट में इस तरीके से सब्जी में काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर ऐड करता है। तो मैंने 1 चम्मच इसमें देसी घी डाल दिया है। अब हम सारी चीज़ों को कुछ अच्छे से बिल्कुल इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और सिर्फ हम इसे 1 मिनट के लिए और ढककर पकाएंगे। तो बस ज़्यादा नहीं पकाना है, सब्जी बिल्कुल तैयार है हमारी। अच्छे से मिक्स करने के बाद सिर्फ 1 मिनट के लिए आप इसे ढककर पका लें ताकि जो भी मसाले और हमने घी वगैरह डाला है इसमें उसका अच्छे से फ्लेवर सब्जी में आ जाए। तो बस 1 मिनट के लिए सब्जी को मैंने यहाँ पे अच्छे से पका लिया है। लास्ट में हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और गैस को यहाँ पर बंद कर देंगे, थोड़ा सा इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्वादिष्ट सी हमारी काले चने की ये सब्जी बिल्कुल तैयार है ढाबा स्टाइल। बहुत ही मज़ेदार लगती है इस तरीके से, अगर आप इस सब्जी को बनाते हैं आप इसे किसी भी पूरी नान रोटी पराठा के साथ इसे सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है एकदम। आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी भी कितनी बढ़िया लग रही है। ज़रूर से इस रेसिपी को आप एक बार ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको आज की अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन इसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।